आरिफ। नमस्कार, जैसे पहाड़ों पर झरने चल रहे हों। ये लग रहा है कि हम पहाड़ों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। तेज बारिश के चलने स्कूल में जाने वाली छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोड गड्ढों में हो गई तब्दील। आप देख रहे हैं रोड क्या बुरा हाल हो चुका। नगीना से स्टेशन पे जाने वाली रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर लोगों का निकलना दुष्कर हो चुका है। बारिश के कारण दुकानदारों की दुकानों में सुबह पानी घुस चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दुकानों में पानी घुस चुका है और दुकानदार परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं पानी इस कदर रोड के किनारे जमा हो गया कि गाड़ी खड़ी हैं और गाड़ियों में पानी घुसने लगा है। ये समिति के सामने पानी इतना कदर है कि आप देख रहे हैं गन्ना समिति के सामने कितना पानी इकट्ठा हो गया है और किसान परेशान है। चाहे बारिश जो पड़ रही है किसान के लिए लाभकारी है या नुकसानदायक है? देखिए, इस समय जो अधिक बारिश पड़ना ये फसल को नुकसान देने का है, क्योंकि समय लोगों की फसल भी तैयार खड़ी है और ये समय इतनी बारिश की आवश्यकता नहीं थी जितनी बारिश पड़ रही है। और अगर ऐसी पड़ती रहे कि फसल का बहुत नुकसान हो जाएगा, किसानों का भयंकर नुकसान होगा, इससे आम जनता को भी नुकसान होगा। क्योंकि गेहूँ नहीं मिलेगा, नहीं आने का, नहीं निकलेगा बाजार में, तो लोग क्या खाएंगे? इसलिए हम इस पर अब ये किसी की वसूली लागू नहीं है, लेकिन इससे है इसको लाभ नहीं है। समय जो मतलब हो रही है बारिश, अब इसको तो रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रमुख लीला है, इसको हम कैसे रोकेंगे? लेकिन कुल मिलाकर के यह इसकी व्यवस्था जो है कुछ भी नहीं हो सकती। समय कोई रास्ता नहीं है जो इससे बचा जाए। अब यह कि इसको हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे प्रमुख जो मर्जी वो करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? बताइए, हम तो किसानों की राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति क्या करनी है? हम लोगों की सेवा करते हैं और हमें ये चाहिए कि कम से कम लोग सुखी, मजदूर सुखी रहें, किसान सुखी रहें, इसे फलीभूत हों। और हमारा हम ये जानते हैं कि जो किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान का भला हो, किसान की तरक्की हो, किसान का विकास हो। हम ये चाहते हैं।